हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिस्ट मैकेनिकल का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है रेलवे में, इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जैसे ही आपका पोस्टिंग होगा तो मैकेनिकल में जैसे आपका प्रोडक्शन यूनिट भी हो सकता है, इसके अलावा जैसे CNW जो होता है कैरेज एंड वैगन, उसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या डीजल सेट जो होता है उसमें भी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ITI का है या अप्रेंटिसशिप है उस कंसर्न डिपार्टमेंट का, तो आप जो है एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आपकी वर्किंग जो रहता है, एक्चुअली जैसे CNW वगैरह में देखते होंगे, जैसे कैरेज वैगन में या डीजल सेट में क्या होता है कि जैसे जो गाड़ी का जो मेंटेनेंस का जो एक्टिविटी होता है कोचेज या वैगन वगैरह का, तो उसमें जो है पिट लाइन होता है। जैसे CNW में तो वहाँ पे क्या है, सारे जो कोचेज होता है या वैगन होता है गुड्स ट्रेन का, उसका चेक किया जाता है पिट लाइन में। तो जितना भी व्हील लगे हुए हैं, एक्सल है, इसके अलावा स्प्रिंग लगा रहता है, हैंड ब्रेक लगा रहता है, सारे चीज़ को जो है एक्चुअली चेक किया जाता है पिट लाइन में। तो वही कार्ज रहता है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिस्ट जो होते हैं उनका कार्ज। आजकल में क्या है, ये सब कार्ज जो है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भी करवाया जाता है, और रेलवे के भी कुछ स्टाफ होते हैं, स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से जो है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भी करवाया जाता है। इसी प्रकार डीजल सेट में यही रहेगा, जैसे जो डीजल पावर वगैरह जो होता है जो आएगी आपके पास, तो उसका जो है वो सारा चीज़ जो है चेक करना काज रहेगा आपको, जैसे व्हील एक्सल, उसके बाद ब्रेक, जो जो मतलब मैकेनिकल से संबंधित है वो सब आपको चेक करना पड़ेगा, उसका रिपेयर और मेंटेनेंस। लेकिन ये सब काम के लिए जो है आपके ऊपर जो है JEE और SSC जो रहेंगे मैकेनिकल के, वो आपको आपके कार्ज को सुपरवाइज करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या इस कंसर्न कोचेस में करना है। जब आपको पता चल जाएगा तो खुद भी आप कर सकते हैं, तो आपको शुरुआत में बता दिया जाता है। तो उसके बाद में जैसे चेक ओवर करने के बाद, जैसे अगर कैरेज में वैगन ओपन लाइन में है तो BPC जारी किया जाता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। तो इस तरीके का एक्टिविटी रहता है कि आपको चेक ओवर करना रहता है पूरे गाड़ी को, यही एक्चुअली वर्किंग रहता है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिस्ट का क्या वर्किंग होता है मैकेनिकल में, इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।